फ्रेंड्स, आजकल हर घर में ढेरों बीमारियां हैं और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हर घर में ढेरों दवाइयां हैं। हम अपने दिन की शुरुआत दवाइयों से ही करते हैं और रात को भी दवाइयां खाकर ही सोते हैं। क्या आपको पता है कि इसका कारण क्या है? दरअसल हम लोगों को ये पता ही नहीं कि हमको बीमारी हुई क्यों है, बीमारी क्या है, क्यों हुई, किस कारण से हुई। हम बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास जाकर उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बात करूं डायबिटीज की, डायबिटीज क्यों हुई हमें नहीं मालूम। डॉक्टर कहता है डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती, आपको जिंदगी भर दवाई खानी ही पड़ेगी। और हम हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, और आप पिछले 10 या 20 साल से डायबिटीज की दवाई खा भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो बीमारियां हैं ये ठीक हो सकती हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है तो आप कहेंगे दवाई लेकर। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती आजकल हम सभी करते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बीमारी की जड़ क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अब आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है मुझे बालों पर विटामिन ई के कैप्सूल लगाने पड़े, हो सकता है मुझे बायोटीन के टैबलेट्स खाने पड़े, हो सकता है मुझे किसी तरह के कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाने पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, आपके बालों का झड़ना सिर्फ आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी से ही नहीं होता, बालों का झड़ना शरीर में खून की कमी से भी हो सकता है। और जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके बाल अक्सर झड़ क्यों रहे हैं तो आप उस बीमारी को खत्म कर ही नहीं सकते। अगली एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप मार्केट से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, उसे अपने पिंपल्स पर लगाएंगे और कोशिश करेंगे मेरे पिंपल्स ठीक हो जाएं, या फिर आप डॉक्टर के पास जाकर कुछ दवाई लेकर आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि ज्यादातर पिंपल्स सिर्फ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या से ही होते हैं? यानी कि अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो उसका कारण पिंपल्स या हार्मोनल चेंजेस नहीं, उसका कारण आपका पेट, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और जब तक आप कॉन्स्टिपेशन का इलाज ही नहीं करेंगे तो सोचिए आपके पिंपल्स कैसे सही होंगे। तो दोस्तों, यहीं पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको बीमारी हुई क्यों है। और अगर आपको ये समझ आ गया कि आपको बीमारी हुई क्यों है तो उसका इलाज आप बिना डॉक्टर के पास जाए खुद ही कर सकते हैं। यही चीज तो आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान डॉक्टर बन सकता है। हर इंसान को जरूरी नहीं कि पीएचडी या किसी तरह की डॉक्टरी पढ़ाई करनी पड़े। अगर आपको अपनी बॉडी की बेसिक समझ आ जाए तो आप हर बीमारी को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे घर की किचन एक किचन नहीं आयुर्वेदिक औषधियों का खजाना है। हमारे घर की किचन के अंदर पड़ी हुई लौंग, इलायची, सौंफ, ये सारी चीजें आयुर्वेद में औषधि हैं। अगर आप इन औषधियों को लेने का सही ढंग जान गए तो आपके घर में कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। आपको डायबिटीज कभी नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी मोटापा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हमारे घर की किचन में पड़ी हुई एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो चीज है लौंग। लौंग हर घर में है क्योंकि हम इसे कई तरह के पकवानों में डालते हैं और इसे हम चाय में भी डालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि आप लौंग के सही ढंग के इस्तेमाल से कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं? तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लौंग के सेवन से अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि लौंग को खाना किस तरह से है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे घरों में लौंग है और हम लौंग का इस्तेमाल तो करते ही हैं, फिर हमारी बीमारियां ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? लेकिन फ्रेंड्स, हर एक औषधि को लेने का सही ढंग होता है। फ्रेंड्स, लौंग को लेने का सबसे सही ढंग है रात को सोने से पहले 2 लौंग को चबाकर खाना और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीना। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप हर रोज लौंग का सेवन करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि लौंग में पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम और ढेर सारे विटामिन हैं। इस कारण से ये लौंग हमारी बॉडी पर बहुत गहरा असर डालती है और हमें ढेरों बीमारियों से बचाकर रखती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कौन सी बीमारियां आपकी बॉडी से खत्म हो जाएंगी अगर आप लौंग का सेवन रात को सोने से पहले करते हैं। सबसे पहली बीमारी है फ्रेंड्स, हेयर फॉल की प्रॉब्लम। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपके लिए लौंग का सेवन रामबाण है। अगर आप अपने झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए ढेर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगा चुके हैं
तो आप उन्हें डस्टबिन में फेंक दीजिए। आपको किसी डॉक्टर की दवाई लेने की जरूरत नहीं है, सारी दवाइयां फेंक दीजिए। सिर्फ रात को सोने से पहले 2 लौंग खाइए, ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीजिए। इससे होगा क्या, आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। जब आप रात को लौंग का सेवन करेंगे तो इससे आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम होंगे और रात के समय में आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जिससे आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके बाल लंबे भी होने लगेंगे। फ्रेंड्स, लौंग खाने का अगला फायदा है, आपका स्ट्रेस दूर होगा। देखिए, आजकल की लाइफ में स्ट्रेस हर एक इंसान को है और ये स्ट्रेस खत्म हो भी नहीं पाता। और क्या आपको ये पता है कि अगर आप हर रोज स्ट्रेस लेते रहते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस लेते समय हमारे दिमाग से स्ट्रेस के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और समय के चलते ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स निकलना हमारी आदत बन जाती है। हमारा दिमाग बिना किसी कारण से इन हॉर्मोन्स को रिलीज करता रहता है, लेकिन जब आप लौंग का सेवन रात को सोने के समय करते हैं तो इससे आपका दिमाग स्ट्रेस हॉर्मोन्स को रिलीज नहीं करता, जिससे जब आप सुबह उठेंगे तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा और आप अच्छी नींद लेकर उठेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो हो सकता है आप नींद के लिए दवाई लेते हो, लेकिन अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो आप लौंग का सेवन रात को करें, ऊपर से गुनगुने पानी का सेवन करें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है या दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपके दांतों में गर्म या फिर ठंडा लगता है, तो आपके लिए लौंग सबसे अच्छा है। क्योंकि जब भी हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम 2 काम करते हैं, या तो हम पेन किलर लेते हैं या फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कहता है कि आपको दांत डेड करवाना पड़ेगा। डेड करवाने का मतलब है आपसे बड़ा पैसा चार्ज किया जाएगा या फिर आपको ढेर सारी दवाइयां साथ में दी जाएंगी। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, जब आप अपने दांत को डेड करवाते हैं तो ये दांत किसी काम का नहीं रहता और दांत पहले से कमजोर भी हो जाता है और आपको ढेर सारे पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि दांतों का दर्द आप सिर्फ लौंग के जरिए सही कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले अपने दांतों के बीच 1 लौंग को दबाकर सो जाइए, 2 से 3 दिनों के अंदर आपके दांतों का दर्द और दांतों के अंदर की सेंसिटिविटी बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपको अपने दांत को डेड करवाने की या निकलवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए लौंग बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग अपने वजन को कम करने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट प्लान करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। क्या आपको पता है कि आपको फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस काम करती है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का काम है आपके खाने को तोड़ना और एनर्जी में कन्वर्ट करना। हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अलग अलग होता है। अगर किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो है तो उसका वजन बढ़ता ही रहता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है वो लोग अगर कुछ कम भी खा लें तो भी उनका वजन बढ़ता ही रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 2 लौंग को चबाकर ऊपर से गुनगुने पानी का सेवन करना है। रात के समय में आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इतना बूस्ट हो जाएगा कि सोते सोते आपका वजन कम होने लगेगा। आप बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज, सिर्फ लौंग के सेवन से 1 महीने के अंदर 10 से 15 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आजमा कर देख लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका वजन बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज 10 से 15 किलो आसानी से 1 महीने में कम हो सकता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपके लिए लौंग बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए पिछले 5-10 साल से दवाई खा रहे हैं, क्योंकि हमें आज की मेडिकल साइंस कहती है कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को खत्म किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक मिथ है। क्या आपको ये पता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई क्यों है? मोस्ट ऑफ द केसेस जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें कब्ज होती है, उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है? दरअसल जो भी चीज हम खाते हैं वो हमारे खून में मिलती है। अगर हम किसी चीज को खाएं और वो अच्छे से ना पचे, यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आपका खाना सड़ने लगता है। अब ये सड़ा हुआ खाना आपके खून में गंदगी पैदा करता है, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपके खून में गंदगी पैदा करने के साथ साथ ये टॉक्सिन्स जमा कर देता है, जिससे आपका खून गाढ़ा हो जाता है। अब इस खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत ही जोर लगाना पड़ता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आपके लिए सबसे जरूरी है अपने खून को डिटॉक्स करना, अपने खून को साफ करना, जिसमें लौंग आपकी बहुत मदद करेगी। जब आप लौंग को रात को खाएंगे और ऊपर से गुनगुना पानी पियेंगे तो इससे आपकी किडनीज और आपका खून डिटॉक्स होगा, यानी कि साफ होगा, और आप देखेंगे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं तो वो भी गायब हो जाएंगे।
लौंग का सेवन रात को करने से आपको जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि यह हमारे ब्लड में से ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, हमारी आर्टरीज में से गंदगी को बाहर निकालती है। इसलिए अगर आप लौंग का सेवन करेंगे तो आप दिल से जुड़ी हुई सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने आपको बताया कि कैसे आप लौंग के जरिए अपनी जिंदगी में बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के जरिए हमारा मोटिवेशन अप करें और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।